नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। गुजरात में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। दोनों ने शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर एक दूसरे का सम्मान किया। गुजरात के दौरे पर सीएम मोहन यादव ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नवीनीकरण ऊर्जा पर होगा काम, देश की प्रगति में रिन्यूएबल एनर्जी का रहेगा बड़ा सहयोग। आलोक शर्मा पहुंचे कमिश्नर कार्यालय, रानी कमलापति की प्रतिमा के सामने आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के 51,000 गांव में शौचालय का होगा निरीक्षण, अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण, ओडीएफ प्लस के दावे की हकीकत पता करेंगे सीईओ। भोपाल के निगम मंडलों में नियुक्तियां टली, साल के अंत तक नहीं होंगी कोई नियुक्तियां, सदस्यता अभियान के चलते नियुक्तियों पर लगाई गई रोक। बड़वा में ईद के मौके पर निकाली गई रैली, बैंड बग्गी और ऊंट सवार घुड़सवार बने हैं जुलूस का प्रमुख आकर्षण। क्रेन जुलूस में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। भोपाल में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2800 बकायेदारों के काटे कनेक्शन, 110 बैंक खातों को भी सीज किया गया, निजी अस्पताल सहित 40 दुकानें और 4 फैक्ट्रियों को कुर्क किया गया। मध्य प्रदेश के गोदामों में फिर बर्बाद हुआ अनाज, 58,000 टन गेहूं ज्वार और बाजरा खराब हुआ, खाद्य विभाग ने खराब अनाज को बेचने के लिए जारी किया टेंडर। झाबुआ में मुस्लिम समाज ने मनाया ईद का पर्व, उत्साह के साथ निकाला विशाल जुलूस, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के नागरिक शामिल हुए। उज्जैन में महाकाल की तस्वीर वाले लड्डू के पैकेट्स को कचरे में फेंका जा रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। इंदौर हाईकोर्ट ने लड्डू पैकेट से भगवान महाकाल की तस्वीर को हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन 4 महीने के बाद भी लोग अब तक पालन नहीं कर पा रहे। भोपाल के राजभवन में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह, मुख्य सूचना और सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुआ था नए आयुक्तों का चयन। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसदों और विधायकों के बीच नहीं जम पा रही है ट्यूनिंग, हाल ही में आए 3 मामले, दोनों के बीच देखी जा रही है लगातार तकरार। टीकमगढ़ में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, एसपी रोहित कसवानी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जुआ खेलते पकड़े गए थे ये सभी पुलिसकर्मी। राजस्थान के टोंक में बड़ा सड़क हादसा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरैना और श्योपुर के बताए जा रहे हैं पीड़ित, अजमेर दरगाह से दर्शन करने के दौरान हुआ यह हादसा। मुरैना में वन विभाग की बड़ी लापरवाही, गार्ड के नाक के नीचे से हो रही है पेड़ों की कटाई, मामले में अधिकारियों की बताई जा रही है मिलीभगत। मध्य प्रदेश में मॉनसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव, अगले 3 दिन तक कई जिलों में होंगी जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जगदलपुर में कांग्रेस विधायक के भाई की दिखी गुंडागर्दी, युवक के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया। अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक के बेटे पर FIR दर्ज हुई, एक युवती की आत्महत्या के मामले में दर्ज किया गया केस। जबलपुर के सराफा बाजार में गणेश उत्सव में दिखा अनोखा प्रकृति प्रेम, श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ बांटे जा रहे हैं पौधे, श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का दिलाया जा रहा है संकल्प। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी में सवार थी 2 युवतियां, दोनों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने हिट एंड रन मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर के हीरानगर इलाके में छात्र की हुई हत्या, 20 साल के छात्र को चाकू मारकर मौत की घाट उतारा गया, गणेश चतुर्थी के भंडारे के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीहोर में रेत के डंपर ने आदिवासियों को के 6 मवेशियों को कुचल दिया, आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम किया, रेत माफिया पर कार्रवाई की उठ रही मांग। उज्जैन में महिला के पर्स से मोबाइल चोरी हुआ, जूते की दुकान पर बुरखा पहने आई थी महिला चोर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, महिला चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। जबलपुर में मेडिकल अस्पताल में फिर सामने आई है एम्बुलेंस चालकों की मनमानी, एम्बुलेंस चालक मांग रहे हैं 3 गुनी रकम, बाहर से बुलाने वाली एम्बुलेंसों पर भी लगाई गई है रोक, एम्बुलेंस के कारण लोग परेशान।
आगरमालवा में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। सभा को संबोधित कर जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महंगाई, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। खरगोन में नगर परिषद अध्यक्ष पति की दिखी दातागिरी। अधिकारी की कुर्सी पर बैठने वाले फोटो को वायरल करने पर पत्रकार पर हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई है अपनी शिकायत। चित्रकूट में अंधविश्वास के चक्कर में 5 साल की एक मासूम की जान चली गई। उल्टी दस्त से पीड़ित लोग करते रहे झाड़फूंक। बीएमओ ने मामले को संज्ञान में लेकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया। शिवपुरी में कलाकार ने सांप को अपने मुंह में डाला। वन विभाग ने कार्रवाई कर कलाकार को जेल भेजा। सांप के साथ दिखाया गया था करतब। रतलाम में सीवरेज पाइपलाइन खुदाई के दौरान दो युवक गड्ढे में धंस गए। जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों घायल युवकों का मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में इलाज जारी। बुरहानपुर में पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। 100 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया गया। महिलाओं ने सिर पर रखकर निकाली कलश यात्रा। भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने किया प्रदर्शन। बाग मुगलिया मल्टी पर जमकर नारेबाजी की। नगर निगम के खिलाफ लगाए हाय हाय के नारे। पैसे दिए हुए 4 साल होने के बाद भी हितग्राही परेशान है और जिम्मेदार नहीं ले रहे कोई। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस प्रतियोगिता में बिना की दिया सेन ने जीता गोल्ड मेडल। 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हासिल किया सफलता। परिवार वालों ने मनाया जीत का जश्न। भोपाल के मैनिट में 3 दिवसीय हिंदी महोत्सव सूर्यनाद का समापन हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। लोकगीतों और शास्त्रीय नृत्य के साथ समापन किया गया। बैतूल में कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतने वाले बंटी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। घोड़े पर बैठाकर निकाली विशाल रैली। जगह जगह कार्यक्रमों का स्वागत किया गया। इंदौर में मेयर के आदेश के बाद नो डिस्पोजल जोन बना शहर। चाय की दुकानों में केवल कप का ही उपयोग किया जाएगा। महापौर ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए। इंदौर के वक्फ बोर्ड को कोर्ट का झटका। कोर्ट ने करबला मैदान की 6.70 एकड़ की जमीन का नगर निगम को दिया है मालिकाना हक। कोर्ट ने निगम के पक्ष में डिक्री पारित की। श्योपुर में सिस्टम की बदहाली से परेशान महिला ने कीचड़ में लगाई दंडवत परिक्रमा। सरपंच सचिव की सद्बुद्धि के लिए मंदिर में प्रार्थना की। सरपंच सचिव पर लगाया गया है भ्रष्टाचार का आरोप। बुरहानपुर में पत्नी ने पुलिस को किया गुमराह। रची थी लूट की झूठी साजिश। पुलिस की जांच में सामने आया सच। देवर के साथ भाभी ने पति की हत्या की साजिश रची थी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला दौरा। 19 सितंबर को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगी। प्रशासन राष्ट्रपति के स्वागत में जुटा। भोपाल में सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में मौजूद। सिवनी के आईटीआई कॉलेज कैंपस में घूमते दिखा 5 फीट लंबा अजगर। कॉलेज स्टाफ ने स्नेक कैचर को सूचना दी। स्नेक कैचर ने कुछ ही मिनट में अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। ग्वालियर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया। शातिर चोर ने इंश्योरेंस के दफ्तर में चोरी कर धमकी भरा पत्र छोड़ा। पत्र में लिखा लड़कों का पेमेंट अटकाने पर 6 गुना देना होगा पैसा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भोपाल में गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। अलग अलग जगह पर कई घाटों में किया जाएगा विसर्जन। घाटों में सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। झाबुआ में देव झूलनी 11 के झूले देखने के लिए टंकी पर चढ़े हैं लोग। लोगों के बाहर से टंकी की छत ढही। बड़ा हादसा होते होते टला। घटना का वीडियो सामने आया। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। रात में घर में घुसकर किशोरी को उठाने की कोशिश की। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुरैना में बरसात से नदी किनारे की फसल हुई है बर्बाद। किसान परेशान हुए हैं। राजस्व विभाग से सहायता की मांग। नरसिंहपुर में लगातार हो रही मोटरसाइकिलों की चोरी। पुलिस ने नाकाबंदी कर चोरों को पकड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। भोपाल के बाग सेवनिया में युवती आत्महत्या मामले में नया अपडेट। प्रेमी मयंक ठाकुर के भाई ने किया था मृतका के साथ रेप।
प्रेमी ने मृतका को छोड़ने की कही थी बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया, गुजरात के गांधीनगर के कार्यक्रम में हो रहा है आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बची हुई नैया पायलट के नेतृत्व में ही डूबेगी। अंबिकापुर में खड़ी गाड़ियों और लोगों के ऊपर गिरा पेड़, कुछ लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, दुर्ग से विशाखापट्टनम को रवाना होगी ये ट्रेन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ को मिली ई बस की सौगात, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत मिली है ई बसें, प्रदेश में 240 ई बसों को स्वीकृति मिली है, रायपुर बिलासपुर कोरबा और दुर्ग भिलाई में जल्द शुरू होगी ई बसों की सेवा। छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी, बीएसपी का करेंगे निरीक्षण, 17 सितंबर को भिलाई स्टील प्लांट का दौरा करेंगे। रायगढ़ में चक्रधर समारोह के 9वें दिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले शामिल हुए, लोगों को संबोधित कर रायगढ़ शहर के कसीदे कसे, कहा रायगढ़ ने सभी शास्त्रीय संगीत को जीवित बनाए रखा है। रायगढ़ में चक्रधर समारोह का होगा समापन, राज्यपाल रामेन डेका आज समारोह में शामिल होंगे, कल अधिकारियों के साथ लेंगे बैठक। रायगढ़ के चक्रधर समारोह में पद्मश्री अनुज शर्मा ने प्रस्तुति दी, लोक गायन से दर्शकों का जीता दिल, अनुज शर्मा के गानों पर लोग झूमते नजर आए। रायपुर में डॉक्टरों को बड़ी राहत, 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के बाद अगले दिन अब मिल सकेगी छुट्टी, अंबेडकर अस्पताल के सर्जरी विभाग में लागू हुई है नई व्यवस्था, दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी व्यवस्था लागू कराने की मांग। रायगढ़ में अनियंत्रित ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, मौके पर बाइक सवार की मौत, गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी। मुंगेली में युवाओं ने आपसी भाईचारे का दिया संदेश, गणपति उत्सव के मौके पर युवाओं ने मुस्लिम बच्चों को बांटी मिठाई, बच्चों ने मिठाई पाकर खुशी जाहिर की। बलौदाबाजार में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। पेंड्रा में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा भालू, गांव में घूमता नजर आया भालू, भालू के आने से ग्रामीणों में डर का माहौल। कवर्धा में भोरमदेव अभ्यारण्य में पहली बार तितली सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, देश के 14 राज्यों से पहुंचेंगे प्रकृति प्रेमी और शोधकर्ता, 28 और 29 सितंबर को 2 दिवसीय रहेगा ये कार्यक्रम। बिलासपुर में पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ चलाया अभियान, 3 दिन में एनडीपीसी एक्ट के जरिए 25 नशे के तस्करों को जेल भेजा गया, आरोपी के पास से 117 किलो गांजा, 365 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई। सरगुजा में कार सवार लुटेरी ने महिला को मारी टक्कर, महिला के घायल होने पर गले कान और पैर में ज्वेलरी पहनी हुई लूट ली गई, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस जांच में जुटी। बैतूल में भूमि पूजन कार्यक्रम में एक महिला ने डीडी उल्के और विधायक गंगाबाई को सुनाई खूब खरी खोटी, महिला ने सुनाते हुए कहा कि वोट मांगने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं, वोट मिलते ही सब भूल जाते हैं, महिला पीएम आवास नहीं मिलने से नाराज थी। रायपुर में पाठ्य पुस्तक निगम की किताब पर बवाल जारी, 2024-25 के लिए छपी किताबें हुई हैं रद्दी के हवाले, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के छापामार कार्रवाई के बाद खुलासा हुआ। कोरबा में नगर निगम को हाईकोर्ट ने लगाई है फटकार, मल्टी लेवल पार्किंग में 70% काम होने के बाद नगर निगम ने की हॉस्पिटल की मांग, ठेकेदार को किया था ब्लैकलिस्टेड। मुंगेली में नए नए हथकंडे अपना रहे हैं अब साइबर ठग, मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने की व्यक्ति को धमकी दी, ठगबाज ने 7,36,000 रुपए व्यक्ति से ऐंठे। एकता का संदेश लेकर पैदल यात्रा पर निकले 25 साल के दीपक वर्मा, लोगों को पढ़ा रहे हैं एकता का पाठ, 2023 से शुरू की थी यात्रा, अब तक 22,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं दीपक। पेंड्रा में गणेश उत्सव की धूम दिखाई दे रही है, बाल रूप में विराजित की गई है प्रतिमाएं, रोजाना दर्शन करने के लिए आती हैं 5,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु।
सुकमा के मुरलीगुड़ा में 5 ग्रामीणों की हुई हत्या। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अंधविश्वास के चलते गांव के ही 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। कवर्धा में फांसी पर लटका हुआ युवक का मिला शव। हत्या के शक में ग्रामीणों ने दूसरे युवक का घर जला दिया। जिंदा जलने से एक युवक की मौत। बालोद में डोंडी गांव में धर्मांतरण प्रार्थना पर फिर से बवाल। धर्मांतरण के लिए अवैध रूप से प्रार्थना करने का आरोप लगाया गया। डोंडी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शिक्षक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी। राजनांदगांव में मिला एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज। स्वाइन फ्लू का भी मिला है एक मरीज। स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या 3 हुई। प्रदेश में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। कवर्धा में करोड़ों की लागत से बना नया बस स्टैंड गायों का तबेला बन गया है। हाईटेक बस स्टैंड पर चारों ओर लगा है गंदगी का अंबार। लोगों ने की है भ्रष्टाचार की जांच की मांग। दंतेवाड़ा में भूमाफिया ने अब समर्पित माओवादियों को निशाना बनाना शुरू किया। माफिया डॉक्टर और सरकारी कर्मचारियों को टारगेट कर ही रहे हैं। आलोक भगत नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई है शिकायत। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर चेन्नई में 13 साल की स्कूली छात्रा ने बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र। अनाज और दालों के जरिए पूरे 12 घंटे में चित्र किया गया तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच पार्टी सदस्यता अभियान समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणपति उत्सव का आयोजन। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त गोविंदा समेत कई कलाकार सीएम आवास पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ईद को लेकर पुलिस फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई बैठक। पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान। केजरीवाल ने मन से मान लिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। व्यक्ति तभी इस्तीफा देता है जब उसे अपराध बोध हो जाता है। जम्मू कश्मीर के डोंडा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली निकाल लोगों से वोट डालने की अपील की गई। चेन्नई टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। लंदन से सीधे चेन्नई पहुंच चुके हैं कोहली। 19 सितंबर से बांग्लादेश में होना है मुकाबला। फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब में ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश। घटनास्थल से AK-47 बरामद हुई। सीक्रेट सर्विस के अनुसार ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित।